अस्सलाम वालेकुम खवातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान ऑन। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। तो आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है। इस व्लॉग में होने वाली हैं सिर्फ बातें, तो आप इस व्लॉग को स्किप भी कर सकते हैं। मुझे ज्वाइन किया है ज़ैन भाई ने, तो आज की बात जो है हम आपसे शेयर करने वाले हैं वो ये है कि कुछ लोगों को इतराज़ होता है हमारी वीडियोज़ पर, आप जो है ना उर्दू और पंजाबी को व्लॉग में मिक्स कर देते हैं ज़ैन भाई। तो हम उनसे कहना चाहते हैं कि जब भी मैंने ये चैनल क्रिएट किया था तो मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन में भी लिखा था कि हमारे पंजाबी और उर्दू ज़बान में व्लॉग्स आएंगे। तो शुरू में हम इतना व्लॉग्स के बारे में नहीं जानते थे कि व्लॉग्स कैसे बनाते हैं और कैसे अपलोड करते हैं। तो मैंने टोटली जो भी व्लॉग का काम है वो मैंने यूट्यूब से सीखा, एडिट करने तक, थंबनेल बनाने तक, चैनल क्रिएट करने तक, सब का सब मैंने यूट्यूब से सीखा। किसी से मैंने 1% भी नहीं सीखा। व्लॉग बनाना, कैमरे को फेस करना, कहता है मोबाइल का कैमरा ओपन किया जाता है तो वो थोड़ी सी झिझक महसूस करते हैं। तो कैमरे में एक फ्लो के साथ बोलना, तो इसके लिए चाहिए कॉन्फिडेंस चाहिए। तो अगर ये आप अगर पहले भी काम कर चुके हैं तो फिर आपको कोई मसला नहीं होता। अगर आप एक नए बंदे हैं तो वो थोड़ी सी आपको मतलब बोलने में झिझक होती है। तो दूसरी जो हमारी अहम प्रॉब्लम वो ये थी कि हमारा जो एसेंट था वो पंजाबी था, मकामी हमारी जो लोकल जबान है वो बेसिकली इशू ये है कि भाई की फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू नहीं है। हाँ, तो पंजाबी होने की वजह से ना जो पंजाबी बंदे बोलते हैं उर्दू तो वो बंदे पता लग जाता है कि ये पंजाबी इसकी मतलब है। अगले बंदे को समझ लग जाती है कि इसका एक्सेंट जो है ना वो पंजाबी है और ये मुश्किल से उर्दू बोल रहा है। हर बंदे का हर इलाके का अपना लहजा होता है। जैसे जो पख्तून का कोई बंदा जो ना जैसे पठान बंदे होते हैं उनका अलग होता है एक्सेंट, पंजाबी सराइकियों का, सिंधियों का। जब वो उर्दू बोलते हैं तो पता चल जाता है ये पठान है और ये मतलब है उर्दू बोल रहा है। अगले बंदे की समझ आ जाती है। प्राइमरी से लेकर मैट्रिक तक, FSC तक तकरीबन हम जो है अपने क्लास फेलोज के साथ, आपके साथ, कजन वगैरह के साथ जो भी हमारी जुबान होती थी वो पंजाबी होती थी। उर्दू हम बहुत ही कम बोलते थे, मतलब टीचर के सामने बोलते थे। तो प्रोफेसर भी मैंने अक्सर प्रोफेसर देखे हैं, टीचर देखे हैं। मैं टीचर की तोहीन नहीं कर रहा, शिकायत नहीं कर रहा, क्योंकि उनका हमारे साथ जो कम्युनिकेशन होती है वो पंजाबी में ही होती है। जब वो भी किसी के साथ उर्दू बोलते हैं ना तो वो भी एक हम जैसे हम बोलते हुए अजीब लग रहे हैं, हमारा एसेंट पंजाबी है तो पता चल रहा होगा कि ये पंजाबी हैं। तो वो भी उनको भी देख कर सुनकर फील होता था कि ये जो है ना उर्दू उन पर सूट नहीं कर रहे। तो पंजाबी बोलने में कोई हर्ज नहीं है। तो हम एक रैंडमली व्लॉग बनाते हैं, किसी कोई बात हमारी पंजाबी में निकल जाती थी जो हमारी लोकल जबान होती थी, नहीं पता चलता था कि कैमरे में वीडियो बन रही है तो वो उर्दू पंजाबी जो है ना मिक्सचर बन जाता था। आपकी ऑडियंस भी मिक्सचर है, सारी ना उर्दू है और ना ही पंजाबी है। कुछ तो मुझे मैंने देखे हैं जियोग्राफी में तो कुछ ईरान से भी कुछ व्यूअर्स हैं हमारे, इंडिया से भी हैं। जिन आपका फेवरेट कंट्री है इंडिया, मोदी जी। बाकी जो भी हमारे कजन दोस्त हैं उन्होंने भी कहा कि आप हमारे साथ व्लॉग बनाते हैं तो आप अपनी जबान में व्लॉग बनाएं पंजाबी में। तो मैंने कहा कि नहीं यार, जो है ना पंजाबी जो है ना कोई नहीं सुनता, किसी को नहीं समझ आती। तो हमारी जो ऑडियंस है वो इंडिया से है, ईरान से है, तो इंडिया नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ, सबूत है मेरे पास, मैं ऐसे नहीं दो दिन के साथ झूठ बोल रहा। तो मैंने कहा कि नहीं यार, जो है ना पंजाबी किसी को समझ आने नहीं, उर्दू ही कंटेंट हमारा ठीक है, चल रहा है माशाल्लाह। अभी 650-655 जो है हमारे अल्हम्दुलिल्लाह सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो इनके कहने पर मैंने एक दूसरा यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है जिसका नाम है ऑन एक्स्ट्रा के नाम। उसमें टोटली हमने अपनी जो कम लोकल जबान पंजाबी है ना वो उसी में व्लॉग अपलोड किए हैं। तो उस पर भी आप अपना प्यार दिखाएं, कमेंट करें, हमें सपोर्ट करें। ईद तक हमें वहाँ उस चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर चाहिए। पहले हम कितना मतलब शाय शर्मीले थे, झिझक आती थी हमें लोगों के सामने। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बनाने व्लॉग बनाने से हमारी जो है ना तकरीबन 80-90% जो है ना झिझक दूर हो गई है, कैमरे को फेस करना आ गया है। आप खुद देखें, खुद भी इससे मोटिवेट हूँ। एक गांव से शर्मीला बच्चा जो ऑडियंस में आने से बहुत डरता है, झिझकता है, वो आता है, जंग आता है और खुद सीखता है, खुद वीडियोस बनाता है, एडिट करता है, अपलोड करता है। तो हमने आपको इतना मतलब है एंटरटेन भी किया है, एंटरटेन भी किया है, व्लॉग्स इसके अच्छे होते हैं, मेहनत होती है भाई की, लेकिन मतलब है थोड़ा बहुत जो है क्वालिटी का इशू। नेट की दुनिया में फेमस होना कोई इतना आसान काम नहीं है, लेकिन इन्होंने सफर का आगाज किया है
तो गिव अप नहीं हमने किया, हम लगे ही रहे हैं और 650-55 हमने सब्सक्राइबर गेन कर लिए हैं। एक तो हमारी इस चैनल पर मेमोरी से होगी बचपन की, जो हमने जो है ना अल्ले गुल्ले जो शोगल मजाक हमने किया है दोस्तों के साथ, हम खुद भी अपनी पुरानी वीडियोस देखते हैं और एंजॉय करते हैं कि वो अपने लम्हों को याद, क्या टाइम था हमारा। तो ये वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए तो ये आपसे छोटी सी बात शेयर करना चाहते थे। नया चैनल ऑन एक्स्ट्रा को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अख्तर लावा लावर लाइक कोई बाबा अख्तर लावा एक्शन भी करें ना वो ये आप करते हैं। तो ये थी हमारी एक छोटी सी वीडियो, ताकि आपको पता चल जाए कि हमारा एक दूसरा चैनल भी है पंजाबी में। तो यहाँ दबा के लाइक करो बिरान बब्बर जेल बिराजन, दबा के लाइक करो। तो यहाँ आपसे चाहते हैं इजाजत, क्योंकि बाइक के साथ ज्यादा खेचल हो गई रोजे के साथ है। तो अपना ख्याल रखिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा। ईद तक हमें 1000 सब्सक्राइबर आपने करवा कर देने हैं, लाजमी करवा, लाइक करें, कॉमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा।